बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। आज हम क्रैश कोर्स में चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि एक घंटे में एक चैप्टर में आपको पूरी तरीके से कवर करा देता हूँ। खुद अगर आप पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे आप एक चैप्टर में लगाते हैं, लेकिन एक घंटे में पूरा चैप्टर और हर एक लाइन में आपको कवर कराता हूँ। तो इन वीडियोस को आप देख के अपने नीट को आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, नीट के लिए बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर यहाँ पर है, दैट इज एनिमल किंगडम। ये आपका जो विटेकर का सिस्टम था 5 किंगडम, उसमें 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। चैप्टर 2 में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम को पढ़ा, चैप्टर 3 में हमने प्लांट किंगडम को पढ़ा और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम है, और इसके साथ आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बेटा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर नई वीडियो पर और आप इन्हें देख पाएँ। अभी ये जो चैप्टर आपको मैं करा रहा हूँ एनिमल किंगडम, शाम को 5 बजे हम इसका लाइव सेशन करेंगे और इसके 75 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक को कवर करिए, पहले थ्योरी को और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है एनिमल किंगडम में, क्योंकि पहला पार्ट आपका है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए क्योंकि एनिमल की 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब 10 लाख से ज़्यादा जातियाँ अभी तक पता लगाई जा चुकी हैं, और इसलिए क्लासिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन से अगर कोई नई स्पीसीज के बारे में हमें पता चलता है तो हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को, उसकी सही जगह को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? जैसे सिस्टम को याद करिए तो विटेकर के सिस्टम में क्लासिफिकेशन के लिए 5 क्राइटेरिया का यूज किया गया था। लिनियस ने क्लासिफिकेशन के लिए सेलवाल को बेसिस बनाया था, वैसे ही यहां पर क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे बेसिस हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इन्हीं फीचर के आधार पे एनिमल क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये सारे टॉपिक एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस है। तो सबसे पहला जो बेसिस है, दैट इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। अगर किंगडम एनिमेलिया की हम बात करते हैं तो इसके जितने भी मेम्बर हैं सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक की बात करें, टोटल 11 फाइला यहाँ पर है पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक, और इन सभी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन सभी में एक जैसा पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस पोरीफेरा के मेंबर हैं, जहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनमें लूज सेल एग्रीगेट होता, सेल आपस में एग्रीगेट करके बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इन सेल में कुछ डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा होता है, अलग अलग तरह की सेल अलग अलग तरह के काम करती हैं, जैसे कि यहाँ पर कोएनोसाइट नाम की सेल है जो फूड को कैप्चर करने का काम करती हैं, थीसोसाइट नाम की सेल है जो फूड को रिजर्व करती हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग सेल अलग अलग तरह के काम करती हैं। अब जरा अगर देखिए यहाँ पर सिलेंट्रेटा में, तो सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथ के बारे में, तो प्लेटी हेलमिंथ में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और प्लेटी हेलमिंथ के बाद जो आगे के ग्रुप हैं, जैसे एस्केलमिंथ, एनिलिडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, मोलस्का की बात करें, तो इन सभी में जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इकाइनोडर्म, कॉर्डेट, इसमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्केलमिन से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में प्रेजेंट है। अब बेटा यहाँ देखिए कि जो प्लेटी हेलमिंथ है, प्लेटी हेलमिंथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है बॉडी के बाहर, जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, और इसलिए प्लेटी हेलमिंथ के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहा जाता है।
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहा जाता है जहाँ पर दो ओपनिंग पाई जाती हैं, माउथ और एनस। तो अगर हम बात करते हैं एस्केल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, दो ओपनिंग पाई जाती हैं। इसी तरह अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनिमल में दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड सेल और टिश्यूज के सीधे संपर्क में आता है, और ब्लड के अंदर सेल और टिश्यू सीधे भीगते रहते हैं, नहाते रहते हैं। जबकि क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल पाई जाती हैं जो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के नाम से जानी जाती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड और सेल एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं आती हैं। अब बात करते हैं अगले लेवल के बारे में। अगला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री के आधार पे तीन तरह के एनिमल होते हैं। एक होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो अब अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें तो एसिमेट्रिकल उन्हें कहा जाता है जिन्हें किसी भी प्लेन से जो सेंटर से पास हो दो इक्वल बार पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल नेचर पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो और ये एनिमल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, एनी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो और ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी एनिमल को केवल एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, केवल एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा, ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन जो सेंटर से पास हो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसे बाइलेटरल कहा जाता है। एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा में, एस्केल्मिंथ में, प्लेटीहेल्मिंथ में, तो इन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे आप फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो 4.1 फिगर आपको दिया गया, इसमें रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई गई है। यहाँ पर कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन यहाँ पर एनिमल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। जबकि अगर आप 4.1 का बी फिगर देखेंगे तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई गई, केवल एक प्लेन से आप इस एनिमल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसे काटेंगे तो दो बराबर पार्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये बात हो गई सिमेट्री के बारे में। अब आते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस हैं हमारे पास। पहला हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा सिमेट्री के बारे में, तीसरा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक लेयर के आधार पे एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म। जिनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। जैसे सिलेंट्रेटा की बात करें, अब जैसे फिगर में आप देखिए, फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये अंदर की तरफ एंडोडर्म है और बाहर की तरफ एक्टोडर्म है। यहाँ पर मीजोडर्म नहीं, और इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। तो सिलेंट्रेटा में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर पाई जाती है मीजोग्लिया नाम की, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में सबसे अंदर एंडोडर्म होती है, सबसे बाहर एक्टोडर्म होती है, और इनके बीच में मीजोडर्म नाम की सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में तीन जर्म लेयर पाई जाती हैं। यहाँ पर तीसरी जर्म लेयर जो होती है, दैट इज मीजोडर्म, और ये मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। जिन एनिमल में तीनों जर्म लेयर होती है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। क्लासिफिकेशन में चौथा बेसिस हमारे पास है, दैट इज सीलोम। सीलोम को बॉडी कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीलोम का पाया जाना या ना पाया जाना ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। अब सीलोम है क्या?
ये कैविटी है जो पाई जाती बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में. गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की दीवार, और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है उसी को सीलोम कहा जाता है. अब अगर कोई सीलोम या बॉडी कैविटी ऐसी है जो मीजोडर्म के द्वारा लाइन हो तो उसे हम ट्रू सीलोम के नाम से जानते हैं. अगर कोई बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म के द्वारा लाइन हो यानी दोनों तरफ मीजोडर्म से घिरी हो उसे सीलोम के नाम से जाना जाता है, और जिनमें सीलोम पाया जाता है उन्हें सीलोमेट कहा जाता है. सीलोम सबसे पहले पाया गया एनिलिडा में, और इसके बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सभी में पाया जाता है. यानी आप कह सकते हैं कि एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के सभी मेंबर में सीलोम प्रेजेंट होता है. जैसे फिगर ए आप देखिए, यहाँ पर सीलोम आपको दिखाया गया है फिगर ए में. अब आप सीलोम देखिए, यहाँ पर ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर वाला, और इस स्पेस के दोनों तरफ जो रेड कलर से आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये रेड कलर से आपको मीजोडर्म दिखाया गया है. तो सीलोम उसे कहा जाता है जो दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइंड होता है. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है. इसकी जगह पर मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाया जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. जैसे इस फिगर को बी को आप देखिए, यहाँ पर ये जो मीजोडर्म है ये पाउचेस के रूप में जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, ये रेड कलर के पाउचेस जो आपको दिखाए गए ये मीजोडर्म है. तो यहाँ पर मीजोडर्म पाउचेस के रूप में, और ये जो वाइट कलर से आपको कैविटी दिखाई दे रही है इसे स्यूडोसीलोम कहते हैं, क्योंकि इसके बाहर आप देखिए तो एक्टोडर्म है और अंदर एंडोडर्म है. इस स्यूडोसीलोम के दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है, ऐसी कैविटी को स्यूडोसीलोम के नाम से जाना जाता है, और जिन एनिमल में पाई जाती है उन्हें स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है. जैसे एस्केलमिंथ की बात करें, एस्केरिस में इस तरह की बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, इन्हें एसीलोमेट कहा जाता है. जैसे प्लेटी हेलमिंथ की बात करें, सी वाला फिगर देखिए, यहाँ पर आपको एक्टोडर्म दिखाई दे रहा है, मीजोडर्म दिखाई दे रहा है और एंडोडर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई कैविटी आपको नज़र नहीं आ रही, इन्हें एसीलोमेट एनिमल के नाम से जाना जाता है. अब क्लासिफिकेशन की अगली बेसिस की हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पर सेगमेंटेशन है. सेगमेंटेशन कुछ एनिमल में पाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है. अर्थवर्म मेंबर है एनिलिडा का, तो एनिलिडा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, एनिलिडा में सेगमेंटेशन पाया जाता है. एनिलिडा के अलावा जो सेगमेंटेशन है ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और कॉर्डेटा में. तीन फाइल आपको याद करने हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. बेटा फाइलम सिंगुलर वर्ड होता है और जो फाइला है प्लूरल वर्ड होता है. तो एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा, इन तीन फाइला में सेगमेंटेशन पाया जाता है. अब सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होनी चाहिए सेगमेंट में, विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन. कुछ ऑर्गन का रिपीटिशन होना चाहिए. जैसे अर्थवर्म की बात करें तो यहाँ पर यह पैटर्न पाया जाता है, इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है या मेटामेरिज्म के नाम से जाना जाता है. तो ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहा जाता है. चलिए अगले बेसिस की हम बात करते हैं, यह है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में पाया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एनिमल में. जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है, और जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं. जैसे पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा या हेमीकॉर्डेटा तक के मेंबर नॉन कॉर्डेट होते हैं, और जो कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है. तो नोटोकॉर्ड में आपको ध्यान क्या रखना है कि ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है, रॉड लाइक है, और डॉर्सल साइड में पाया जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान. तो इन आधार पर एनिमल को क्लासीफाई किया गया है. अब अगर हम एनिमल के क्लासिफिकेशन को देखें तो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए हमने कई सारे क्राइटेरिया यूज़ किए, और एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक टेबल भी दी है, एक फिगर यहाँ पर दिखाया है. इसमें आप देख लीजिए एक बार फिर से कुछ चीज़ों को. जैसे कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो सभी मेंबर मल्टी सेलुलर हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल पोरीफेरा में आप देख सकते हैं, पोरीफेरा एसिमेट्रिकल और एसिलोमेट होते हैं. बाकी टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल में रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री होती है.
रेडियल सिमेट्री के साथ एसिलोमेट कंडीशन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाई जाती है, और बाइलेटरल सिमेट्री में तीन कंडीशन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। अब एसिलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटीहेलमिंथ हो जाएगा, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिंथ हो जाएगा, और ट्रूसिलोम में एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइंडरमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा हो जाएगा। तो सारे फाइलम यहाँ पर आप चेक कर लीजिए एक बार, शुरुआत से देखिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्केलमिंथ, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडरमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। टोटल 11 फाइला आपको पढ़ने, और इन सभी फाइला के बारे में एनसीईआरटी में आपको बताया गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री स्टेज पर निर्भर करती है, यानी अगर एडल्ट की बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और अगर लार्वा की बात करेंगे तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब हर एक फाइलम को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइलम से हम शुरुआत करेंगे, दैट इज पोरीफेरा। तो सबसे पहला फाइलम यहाँ पर है पोरीफेरा। अब देखिए इसके पॉइंट, पोरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है, इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज कहा जाता है। ये ज़्यादातर मैरीन होते हैं और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है। देखिए क्लासिफिकेशन में अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पोरीफेरा से शुरू करते हैं, और जो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं वो इवोल्यूशन का सीक्वेंस होता है। तो जो सबसे पहले, जैसे आपने प्लांट में एल्गी को सबसे पहले पढ़ा तो एल्गी सबसे प्रिमिटिव है, एनिमल में पोरीफेरा आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं तो ये सबसे प्रिमिटिव, और अभी आपने पढ़ा कि इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब पोरीफेरा का सबसे खास पॉइंट है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है ऑस्टिया नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा, ऑस्टिया नाम के स्ट्रक्चर से वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, और फिर इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील होती, यहाँ पर पानी पहुँचता है, और फिर ऑस्कुलम के द्वारा पानी बॉडी के बाहर जाता है। तो ऑस्टिया से पानी स्पॉन्जोसील में आता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। ये जो पानी का मूवमेंट है इसके द्वारा ये फूड को गैदर करते हैं, यानी खाने को इकट्ठा करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, और साथ ही वेस्ट का रिमूवल करते हैं, यानी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। पोरीफेरा में स्पेशल टाइप की सेल जो लगातार नीट में पूछी जाती है, कोइनोसाइट और कॉलर सेल पाई जाती हैं, और ये लाइनिंग बनाती हैं स्पॉन्जोसील का और कैनाल का। डाइजेशन की अगर बात की जाए तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होता है। इनकी बॉडी में स्केलेटन पाया जाता है जो स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर के द्वारा बना होता है। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट नहीं होते हैं, यानी ये बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब है एग और स्पर्म का फॉर्मेशन एक ही इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन आपने एल्गी में पढ़ा है पिछले लेक्चर में, फंजाई में पढ़ा, मॉसेस में पढ़ा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन पोरीफेरा में भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा पाया जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा नहीं पाया जाएगा। और इनका जो लार्वा होता है वो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तीन एग्जांपल फिगर में आपको दिखाए गए हैं जो याद करने हैं। पहला एग्जांपल आपको ये जो दिखाया गया साइकॉन का फिगर है, दूसरा जो एग्जाम्पल दिखाया गया यू स्पॉन्जी है, और तीसरा फिगर दिखाया गया जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो तीनों फिगर आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, और यही एग्जाम्पल फिर से आपको लिख के यहाँ पर दिए गए हैं। साइकॉन को कॉमनली स्काइफा कहा जाता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया को कॉमनली बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। तो तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, और ये तीन एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। चलिए बेटा फाइलम टू पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेंट्रेटा और निडेरिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। निडेरिया के मेंबर एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर मैरीन होते हैं, सेसाइल मतलब एक जगह पर फिक्स होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है,
अभी जो निडेरिया नाम यहाँ पर दिया गया, ये निडेरिया नाम इनमें पाई जाने वाली एक स्पेशल सेल से लिया गया है जिन्हें निडोप्लास्ट या निडोसाइट के नाम से जाना जाता है। इन सेल में स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं और ये जो निडोप्लास्ट नाम की सेल हैं ये टेंटिकल के ऊपर पाई जाती हैं और बॉडी के ऊपर पाई जाती है। यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाया गया है जहाँ पर निडोप्लास्ट आपको दिखाई गई इस फिगर में। अब निडोब्लास्ट की अगर बात करें तो निडोब्लास्ट के कई काम हैं। ये एंकरेज यानी अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं, डिफेंस यानी बचाव करने में, और कैप्चर ऑफ प्रे यानी शिकार को पकड़ने का काम भी इनके द्वारा ये करते हैं। निडेरियन की अगर हम बात करें तो निडेरियन में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है पहले पढ़ चुके हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जैसे स्पॉन्जेस में आपने देखा कि स्पॉन्जोसिल नाम की कैविटी पाई जाती, वैसे यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम नाम का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माउथ नाम की ओपनिंग पाई जाती है। अब डाइजेशन ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों तरह का है। पोरीफेरा में डाइजेशन केवल इंट्रा सेलर था, यहाँ दोनों तरह का डाइजेशन है। कुछ निडेरियन में जैसे कोरल में बात करें जिन्हें मूंगा कहा जाता है, इनमें स्केलेटन पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडेरियन में दो बेसिक टाइप के बॉडी प्लान पाए जाते हैं जिन्हें पॉलिप और मेडुसा कहा जाता है। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, जैसे हाइड्रा की बात करें, एडेम्सिया की बात करें। जबकि मेडुसा की अगर बात करें तो मेडुसा अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्री स्विमिंग होता है, जैसे ऑरिलिया की बात करें जिसे कॉमनली जेली फिश कहा जाता है। कुछ ऐसे निडेरियन भी हैं जिनमें दोनों तरह के बॉडी प्लान पाए जाते हैं और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसे एक्चुअली मेटाजेनेसिस कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कल प्लांट में भी आपने पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। यहाँ पर निडेरिया में ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट नहीं बनता, बल्कि पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली, जैसे ओबिलिया में मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे फाइशेलिया जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, आपको याद करना है, एडेम्शिया जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, पेनेटुला जिसे सी पेन कहा जाता है, गॉर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है, और मिनड्राइना को ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। कुछ फिगर भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जैसे ए जो फिगर है ये ऑरिलिया का फिगर है और ये मेडुसा फॉर्म दिखाई गई है, और जो बी फिगर है ये एडेम्सिया का फिगर है जहाँ पर आपको पॉलीफेज दिखाई गई है। तो ये फिगर भी यहाँ पर जरूर अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। फिगर और लैंग्वेज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ध्यान जरूर रखेंगे। तो बच्चों दो फाइला हमने पढ़ लिए हैं, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। अब तीसरे फाइलम पे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टीनोफोरा। टीनोफोरा की बात करें तो इन्हें कॉमनली सी वॉलनट कहा जाता है, समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली कहा जाता है। टीनोफोरा की खास बात यह है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी जितने भी मेंबर हैं सब पानी में। देखिए पोरीफेरा के मेंबर ज़्यादातर मैरीन हैं, सिलेंट्रेटा के मेंबर ज़्यादातर मैरीन हैं, लेकिन टीनोफोरा के सभी मेंबर मैरीन हैं। ये रेडली सिमेट्रिकल है, पहले हम बात कर चुके हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट की। फिगर में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की प्लेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हें आप गिन सकते हैं, और ये जो कॉम्ब प्लेट है ये सीलिएटेड होती है। अब सीलिया हैं तो ये लोकोमोशन में मदद करेंगी, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब भी हो जाएगा। डाइजेशन की अगर बात की जाए तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों तरह का है। ये बात अभी आपने सिलेंट्रेटा में भी पढ़ी थी कि वहाँ पर भी दोनों तरह का डाइजेशन है। अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है, तो ये लाइट को इमिट करते हैं, और ये प्रॉपर्टी टीनोफोरा में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है।
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मेथड से होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जबकि पोरीफेरा में सिलेंट्रेटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये खास बात है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लार्वा पाया जाता है, लार्वा का नाम होता है सिटीपिड, आप चाहें तो लार्वा याद कर सकते हैं सिटीपिड, एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना, और यहाँ पर प्लूरोब्रैकिया का फिगर भी आपको दिया गया है, ये जो फिगर 4.8 आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा का, दैट इज प्लूरोब्रैकिया, और इसमें जो दो आपको स्ट्रक्चर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली टेंटिकल यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, तो ये आपके तीन पूरे, आप चौथे फाइलम पे हम चलते हैं, दैट इज प्लैटीहेलमिंथ। बेटा प्लैटीहेलमिंथ के जो मेंबर होते हैं इनकी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी चपटी होती है, और इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है, चपटे कृमि कहा जाता है। ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं, एनिमल के अंदर रहते हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे आप टीनिया की बात करते हैं या फेशियोला की बात करते हैं, तो ये अलग अलग एनिमल के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें हम क्लासिफिकेशन में पढ़ ही चुके हैं। जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उनमें हुक और सकर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा, ये अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल पाई जाती है जिन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है, और फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं सेक्सेस के बारे में, तो ये सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, देखिए जहाँ एक्सटर्नल होगा वो याद करिएगा, इंटरनल ज़्यादा है मत याद करिएगा। डेवलपमेंट मेनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, यानी कई कई लार्वल स्टेजेस पाई जाते हैं। अब इनमें कुछ मेंबर जैसे प्लेनेरिया है, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ट्रू रीजनरेशन एक्चुअली इसमें पाया जाता है, जो चैप्टर वन में हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल जैसे टीनिया जिसे टेपोन कहते हैं, और फेशोला जैसे कि लीवर फ्लूक की अगर हम बात करते हैं, कुछ फिगर भी आपको यहाँ पर दिए एनसीईआरटी ने, पहला जो फिगर आपको दिया गया ये टेपोन का फिगर आपको दिखाया गया है, और दूसरा जो फिगर आपको दिया गया ये फेशोला लीवर फ्लूक का फिगर आपको दिखाया गया है। चलिए बेटा फाइलम फाइव को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, दैट इज एस्केहेलमिंथ। एस्केहेलमिंथ की जो बॉडी होती है ये सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन में नज़र आती है, यानी अगर इनकी बॉडी को कट किया जाए क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर सेक्शन में तो सर्कुलर नज़र आती है, और इसीलिए इन्हें कॉमनली राउंड वर्म का नाम से जाना जाता है। राउंड वर्म फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे एस्केरिस एनिमल में पैरासिटिक फॉर्म है, और प्लांट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप बायोटेक में पढ़ते हैं टोबैको प्लांट की रूट को एक निमेटोड इन्फेक्ट करता है जिसे मिलोडिगन इनकॉग्निशा कहा जाता है, वो भी राउंड वर्म ही है, और एस्केहेलमिंथ को निमेट हेलमिंथ या निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है स्यूडो सिलोमेट एनिमल है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और साथ ही यहाँ मस्कुलर फेरिंग से, ये बहुत खास बात है, मस्कुलर फेरिंग से इनमें पाया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है जो बॉडी से वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करती है, और बॉडी के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके द्वारा बॉडी कैविटी से ये ट्यूब एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बॉडी के बाहर रिमूव कर देती है। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, इसे डायसियस कंडीशन कहा जाता है या यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एस्केरिस है, इस एस्केरिस में मेल और फीमेल आपको दिखाए गए हैं, और जो फीमेल है या फिगर अगर देखिए तो इसमें आपको दिखाया गया है कि फीमेल आर ऑफन लॉन्गर देन मेल, मेल का जो साइज है छोटा है और फीमेल का साइज यहाँ पर बड़ा है।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, और इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जांपल की अगर बात करें तो एस्केरिस, जिसे राउंड वर्म कहते हैं, कॉमन राउंड वर्म कहा जाता है। उचरेरिया की बात करें तो इसे फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, और एंकाइलोस्टोमा की बात करें तो इसे हुकवर्म के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं फाइलम नंबर 6 पे, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा की अगर हम बात करें तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह की फॉर्म यहाँ पर पाई जा सकती हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे अगर लीच की बात करें तो पैरासिटिक होती हैं, अर्थवर्म की बात करें तो फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और ट्रू सीलोम यहीं से पाया जाता है। यानी जो सीलोम की शुरुआत होती है वो इसी फाइलम एनिलिडा से होती है। दीज आर सीलोमेट एनिमल। अब इनकी जो बॉडी होती है वो स्पष्ट रूप से सेगमेंट में डिवाइड होती है, और इनके सेगमेंट को मेटामर के नाम से जाना जाता है। सेगमेंट को मेटामर कहा जाता है, और इसीलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा है, क्योंकि लैटिन भाषा में एनुलस टर्म का मतलब लिटिल रिंग होता है। इनकी जो बॉडी होती है अगर उसको आप देखेंगे तो उस पर छोटी छोटी रिंग आपको बनी हुई नजर आती है, और यहीं से इसका नाम एनिलिडा पड़ा। अब यहाँ पर नई बात क्या है, इनमें जो मसल होती हैं वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती हैं, जो लोकोमोशन में मदद करती हैं। बहुत खास बात है, एक्वेटिक एनिलिड जैसे नेरिस की बात करें तो इसमें लेटरल अपेंडिसेस पाए जाते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है, और ये लोकोमोशन या स्विमिंग में मदद करते हैं। एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रिडिया यहाँ पर पाई जाती हैं, जो आसमो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये देखें, न्यूरल सिस्टम के बारे में एक पॉइंट है, न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व के द्वारा और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये बहुत खास बात है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। जब अभी हम कॉर्डेटा फाइलम पढ़ेंगे तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे नेरिस की अगर हम बात करते हैं, नेरिस जो कि एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होता है, जबकि लीचेस और अर्थवर्म की बात करें तो ये मोनोइसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल टाइप का होता है, एग्जांपल नेरिस हो जाएगा, फेरिटिमा हो जाएगा जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, केचुआ, और हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच जिसे आप जोंक के नाम से जानते हैं। फिगर भी एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिए हैं, तो ये फिगर आपको जरूर पहचान में आने चाहिए कि अगर आपको काम में ये नीट में पूछे जाए तो ए फिगर जो है नेरिस का है, और जो बी फिगर आपको दिया गया ये हिरुडिनेरिया का फिगर आपको दिया गया है। तो 6 फाइलम हम पढ़ चुके हैं, फाइलम नंबर 7 पे चलते हैं। ये जो फाइलम नंबर 7 है दैट इज आर्थ्रोपोडा। बेटा आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, जिसमें इंसेक्ट को शामिल किया गया है। 2/3 यानी 2/3 आप कह सकते हैं, 67% से ज़्यादा जातियाँ इस धरती की आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सेगमेंटेड होते हैं, और सीलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलोम यहाँ पर पाया जाता है। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा, और इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, और इनमें ज्वाइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, और इसी से इसका नाम आर्थ्रोपोडा आया है, क्योंकि आर्थ्रोस का मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब अपेंडिसेस होते हैं। अपेंडिसेस जैसे लेग की हम बात करें, ये अपेंडिसेस के नाम से जाने जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल हो सकते हैं, बुक लंग हो सकते हैं, या ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है, जैसे कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप का है, ये खास बात है। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर एंटीनी होते हैं, आइज जो कि कंपाउंड या सिंपल हो सकती है, जैसे कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती हैं। स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, लेकिन और भी यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं।
ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो डायसियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इंटरनल होता तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं और अंडों से बच्चों का जन्म होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। अब एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे एपिस हनी भी जिससे हमें शहद मिलता है, बॉम्बे सिल्कम जिससे हमें सिल्क रेशम मिलता है, और लेसिफर लेक इंसेक्ट जिससे लाख मिलता है, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कंगन बनाए जाते हैं। वेक्टर की बात करें तो जैसे एनोफिलीज हो गया, क्यूलेक्स और एडीज, ये मॉस्कीटोज हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम या मलेरिया के लिए वेक्टर का काम करती है। क्यूलेक्स की बात करते हैं तो क्यूलेक्स फाइलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करती है, और एडीज डेंगू और चिकनगुनिया के लिए वेक्टर का काम करता है। ग्रेगेरियस पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोकस्टा हो जाएगा, जिसे कॉमनली लोकस कहा जाता है, और लिविंग फॉसिल में लेमुलस या किंग क्रैब आ जाएगा। लिविंग फॉसिल उन्हें कहा जाता है जिनमें इवोल्यूशन के लाखों वर्षों के दौरान बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना हुआ हो। अब कुछ फिगर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और ये फिगर भी आपको समझ में आने चाहिए, और अगर बाद में नीट में पूछा जाए तो आप इनका आंसर भी कर पाएं। इस से इन फिगर्स को आप जरूर अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, तो एक बार फिगर को यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। आप देखिए, पहला जो फिगर दिया गया है ये लोकस्ट आपको दिखाया गया है, दूसरा बटरफ्लाई है, तीसरा स्कॉर्पियन का फिगर है, और चौथा प्रॉन का फिगर आपको दिया गया है। तो ये 7 फाइलम आपके कंप्लीट हो गए। नंबर फाइलम 8 पे चलते हैं, दैट इज मोलस्का फाइलम। मोलस्का की अगर बात की जाए तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और जो मोलस्का है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। मोलस्का के मेंबर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में मैरीन या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम पाया जाता है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस शेल के द्वारा कवर्ड होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, ये भी पूछा जाता है। और इनकी बॉडी में 3 पार्ट हैं, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अब इनका जो विसरल हम्प होता है, इसके ऊपर स्किन की एक कवरिंग पाई जाती है जिसे मेंटल कहा जाता है। हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसे मेंटल कैविटी कहा जाता है, और मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल पाए जाते हैं, और इन गिल का काम रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वैसे तो गिल का काम आप पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का, लेकिन मोलस्का के गिल रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं। इनका जो हेड होता है वहाँ पर सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं, और इनका जो माउथ है उसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग मतलब छीलने वाला ऑर्गन पाया जाता है, और ये फीडिंग करने में मदद करता है, जिसे रेडुला कहा जाता है। जैसे खीरा को छीलने वाला चाकू होता है, वैसे इनके पास रेडुला नाम का ऑर्गन होता है जो फीडिंग करने में मदद करता है। चलिए अब देखिए कुछ और पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं। ये ज़्यादातर डायसियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल कई सारे अच्छे से याद करिएगा। पाइला जिसे एप्पल स्नेल कहा जाता है, पिंकटाडा जिसे पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है, यही मोती बनाता है। सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है। लोलिगो को स्क्विड कहा जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश दानों मछली कहते हैं। एप्लाइशिया को सी हेयर कहा जाता है। डेंटेलियम को टस्क सेल कहते हैं। चीटो प्ल्यूरा को चिटन कहा जाता है। एनसीईआरटी में कुछ फिगर भी आपको दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ पर जो बी फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये बी फिगर ऑक्टोपस का आपको दिखाया गया है, और जो ए फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये पाइला का फिगर आपको दिखाया गया है। तो इन फिगर को अच्छी तरीके से आप ध्यान देंगे पढ़ते समय। चलिए बेटा, फाइलम 9 की बात करते हैं, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इनमें कैलकेरियस ऑजिकल का एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और इसीलिए इनका नाम काइनोडर्मेटा है। इन्हें स्पाइनी बॉडीड एनिमल भी कहा जाता है। आल आर मैरिन, बहुत खास बात है, जैसे आपने टीनोफोरा को देखा था उसके सभी मेंबर मैरिन थे, वैसे यहाँ पर भी सभी मेंबर मैरिन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है,
एडल्ट इकाइनोडर्म रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं और इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब माउथ और एनस दोनों हो। माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे है और जो एनस है ये अपर या डॉर्सल साइड पे पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो इन्हें बाकी एनिमल से अलग करता है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में मदद करता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, ये बहुत खास बात है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो ये ध्यान रखना टीनोफोरा में एक्सटर्नल था, यहाँ पर एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पर फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखिए तो एस्टीरियास, स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकम्बर और ऑफ्यूरा ब्रिटिल स्टार। यहाँ पर दो फिगर भी आपको गए, जो ए फिगर है ये एस्टीरियास यानी स्टारफिश का और बी फिगर ऑफ्यूरा यानी ब्रिटिल स्टार का आपको दिया गया है। अब आते हैं फाइलम नंबर 10 पे। फाइलम नंबर 10 दैट इज हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा को पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था एक सब फाइलम के रूप में, लेकिन अब इसे एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है नॉन कॉर्डेटा के अंदर, यानी आज के समय में ये हेमीकॉर्डेटा कॉर्डेटा का हिस्सा नहीं है। एक नई लाइन एनसीईआरटी ने यहाँ पर जोड़ी कि हेमीकॉर्डेट में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो अल्प विकसित होता है कॉलर रीजन में पाया जाता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और यही स्टोमोकॉर्ड दिखने में नोटोकॉर्ड की तरह होता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने पहले इसे नोटोकॉर्ड समझ लिया स्टोमोकॉर्ड को और कॉर्डेटा में रख दिया। लेकिन जब पता चला कि नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसे कॉर्डेटा से बाहर करके हेमीकॉर्डेटा एक अलग फाइलम बना दिया गया। अब इस फाइलम में जो एनिमल होते हैं ये वर्म लाइक होते हैं, वर्म लाइक मैरीन एनिमल होते हैं, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और यहाँ पर सिलोम पाया जाता है। बॉडी की अगर बात करें तो इसमें एंटीरियर प्रोबोसिस है, एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है। फिगर अगर आप देखें, फिगर में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक तीनों रीजन आपको दिखाए गए हैं। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक तीनों पार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, ये ध्यान रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में और हेमीकॉर्डेटा में। रेस्पिरेशन यहाँ पर गिल्स के द्वारा होता है, गिल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड जो कि बहुत खास है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, तो फिर ध्यान रखना है टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमीकॉर्डेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसे बेलेनोग्लॉसस की बात करें तो इसमें टॉर्नेरिया नाम का लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल आप देखें तो बेलेनोग्लॉसस और साइकोग्लॉसस एग्जाम्पल हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे आखिरी फाइलम पे, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, और ये हमारा फाइलम है, हम इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब कॉर्डेटा फाइलम के जो एनिमल होते हैं उनमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ए डॉर्सल होलो नरोकॉर्ड का पाया जाना और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट का पाया जाना। फिगर में आपको कॉर्डेटा के कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे नरोकॉर्ड आपको दिखाया गया है, नोटोकॉर्ड आपको दिखाया गया है, पोस्टेनल टेल और गिल स्लिट, ये चार कॉर्डेटा के कैरेक्टर कहलाते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रूसिलोम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें हमने क्लासिफिकेशन में आज शुरुआत में ही कर ली थी, और इनमें पोस्टेनल टेल है और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब इस टेबल को बहुत अच्छी तरीके से आप याद करिएगा, क्योंकि इस टेबल में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के जो कैरेक्टर अलग अलग जो कंपैरिजन है वो किया गया है। जैसे कॉर्डेट में आप देखिए तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। कॉर्डेट में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे आप CNS कहते हैं ये डॉर्सल होलो सिंगल है, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट एब्सेंट है। कॉर्डेट में हर्ट वेंट्रल है और अगर नॉन कॉर्डेट में हर्ट होगा तो डॉर्सली प्लेस्ड होगा। कॉर्डेट में पोस्टनल टेल प्रेजेंट होती जबकि नॉन कॉर्डेट में पोस्टनल टेल एब्सेंट होती है। अब कॉर्डेटा फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो इसे तीन सब फाइला में डिवाइड किया जाता है,
एक है यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। अब जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है इन दोनों को एक साथ मिला के प्रोटोकॉर्डेट कहा जाता है, और प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। देखिए टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन और प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा को अगर देखें तो इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है केवल लार्वल टेल में, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक अब्सेंट हेड से टेल तक प्रेजेंट होता है और पूरी जिंदगी भर पाया जाता, पूरी जिंदगी भर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल अगर देखें तो एसीडिया, साल्पा, डोलियोलम हो जाएंगे। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल ब्रेंकियोस्ट्रोमा, एम्फियोक्सस या लैंसिलेट भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर फिगर भी आपको दिया गया एसीडिया का, तो ये फिगर अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो कॉर्डेटा फाइलम में तीन सब फाइल आपको बताए गए, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा सब फाइलम के बारे में। वर्टिब्रेटा सब फाइलम में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है या लार्वल स्टेज है उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। कार्टिलेजनस या बोन का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर पाया जाता है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट द वर्टिब्रेट। हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। देखिए वर्टिब्रेट उन्हें कहा जाएगा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, और आप देख रहे हैं कि जो यूरोकॉर्डेट हैं और सिफेलोकॉर्डेट हैं वो कॉर्डेट तो हैं लेकिन उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो उन्हें वर्टिब्रेट आप नहीं कह सकते हैं। कॉर्डेट के जितने भी करेक्टर आपको बताए गए, चार करेक्टर जो कॉर्डेट के मैंने आपको बताए, ये सभी चारों करेक्टर आपको जरूर मिलेंगे वर्टिब्रेट में। जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कॉर्डेट के करेक्टर को नरोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्टेनल टेल और गिल्सेट, ये सभी करेक्टर आपको वर्टिब्रेटा में मिलेंगे। और वर्टिब्रेटा में इनके अलावा कुछ और पाए जाते हैं, उनके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। जैसे कि इनमें वेंट्रल मस्कुलर हर्ट पाया जाता है जिसमें दो तीन या चार चैम्बर हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। किडनीज पाई जाती है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो फिन्स या लिम्ब हो सकते हैं, जैसे मछलियों में फिन पाए जाते हैं, और अगर आप एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल की बात करें तो इनमें लिम्ब पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा वर्टिब्रेटा सबफाइलम को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जॉ नहीं होता है और नेथोस्टोमेटा उन्हें कहते हैं जिनमें जॉ पाया जाता है। अब एग्नेथा में एक सिंगल क्लास है जिसका नाम साइक्लोस्टोमेटा है, जबकि नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक को पाइसेस कहते हैं और एक को टेट्रापोडा कहते हैं। पाइसेस में फिन पाए जाते हैं और टेट्रापोडा में लिम्ब पाए जाते हैं। अब पाइसेस में दो क्लास बनाए गए, कॉन्डिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेज और ऑस्टिक्थिस बोनी फिशेज, और टेट्रापोडा में चार क्लास बनाए गए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मैमेलिया। अब अगर टोटल आप देखें तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम में सेवन क्लासेज हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो अब सात क्लास टोटल वर्टिब्रेटा में, और इन्हीं सभी सेवन क्लासेस को वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास से हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो क्लास यहाँ पर है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा से। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर हैं वो सब फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। एक्टोपैरासाइट उन्हें कहते हैं जो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और इनमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। नंबर आपको याद रखना, गिल स्लिट रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। साइक्लोस्टोम का जो माउथ होता है वो सकिंग होता है और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, क्योंकि एग्नेथा के मेंबर तो इनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर बॉडी पर स्केल नहीं पाए जाते और साथ ही पेयर्ड फिन नहीं होते हैं, अनपेयर फिन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर कार्टिलेजिनस नेचर के होते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्ट्रोम मैरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में। स्पॉनिंग करने के कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस करके वापस ओशन में यानी महासागर में लौट आता है। ये एक माइग्रेशन यहाँ पर होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब बेटा होता है लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन लैम्परे और मैगजीन हैगफिश, यहाँ पर आपको फिगर भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर ए जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन एग्नेथा का मेंबर है तो इसमें जॉ नहीं पाए जाते हैं। ये फिगर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। शाम को जो लाइव सेशन हम लेंगे उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और उस समय ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं दूसरे क्लास पे। क्लास नंबर टू जो हमारे पास है दैट इज कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस को कॉमनली कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से जाना जाता है और ये एक्चुअली ट्रू फिशेस हैं। देखिए मछलियों के दो मेजर क्लास हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ये ज़्यादातर मैरीन होती हैं, कुछ मेंबर इनके फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन यानी एकदम नाव की तरह होती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन यहाँ पर पाया जाता है। माउथ की लोकेशन वेंट्रल होती है। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। गिल स्लिट सेपरेट होती हैं और अपरकुलम नहीं पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस फिश में गिल कवर या अपरकुलम नहीं, ध्यान रखिएगा। बोनी फिश में अभी आप देखेंगे पाए जाते हैं। जो इनकी स्किन है काफ़ी मजबूत होती है और स्किन में स्पेशल टाइप के छोटे छोटे स्केल होते हैं जिन्हें प्लेकॉइड स्केल कहा जाता है। आपने देखा साइक्लोस्ट्रोमेटा में स्केल नहीं पाए जाते हैं। इनके जो टीथ होते हैं ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल होते हैं जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनके जो जॉ हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये एनिमल प्रीडेसियस यानी शिकारी होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता और इसलिए डूबने से बचने के लिए इन्हें लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ एग्जांपल आपको फिगर में भी दिखाए गए हैं, जैसे ए फिगर जो दिया गया है स्कॉलियोडॉन जिसे डॉग फिश कहा जाता है, और जो बी फिगर आपको दिया गया है जिसे प्रिस्टिस यानी सॉ फिश के नाम से जाना जाता है। अब अगले पेज पे कुछ एग्जाम्पल मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, चलिए देखिएगा जरा। कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल में ऑस्कोलियोडॉन यानी डॉग फिश है, प्रेस्टिज जिसे सॉ फिश कहा जाता है, केरोडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क, और ट्राइगोन को स्टिंग रे कहा जाता है। अब हर्ट की बात करें तो हर्ट टू चैम्बर का है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। कुछ एनिमल में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं जैसे टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को आपने देखा कि इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, और पॉइजन स्टिंग पाई जाती है ट्राइगोन में इसलिए इसे स्टिंग रे कहा जाता है। स्टिंग का मतलब कांटा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मस होते हैं यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। एटमोसफियर का टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। सेक्सेस आर सेपरेट यानी ये यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, और जो मेल हैं बहुत खास बात है उनके पेल्विक फिन पे क्लैस्पर पाए जाते हैं, और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का भी तरीका। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कई कार्टिलेजिनस फिशेज में वीवी पैरी पाई जाती है। जैसे सार्क की अगर हम बात करें तो इसमें वीवी पैरी प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं बेटा ऑस्टिक्थिस के बारे में जिन्हें कार्टिलेजिनस फिशेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिशेज होती है और इनमें बोनी एंडोस्केलेटन इसलिए इन्हें बोनी फिश कहा जाता है। इनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन है कार्टिलेजिनस की तरह लेकिन इनका माउथ टर्मिनल होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस का माउथ होता है वेंट्रल, इनका माउथ टर्मिनल होता है। इनमें फोर पेयर ऑफ गिल पाए जाते हैं जबकि अगर साइक्लोस्ट्रोमेटा को देखिए तो 6 से 15 पेयर गिल पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस बताया नहीं गया, आप चाहें तो कॉन्ड्रिक्थिस में 5 से 7 पेयर गिल चाहें तो आप याद कर लीजिएगा 5 to 7 पेयर, और बोनी फिश में 4 पेयर गिल पाए जाते हैं और यहाँ पर गिल कवर या अपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। स्किन में यहाँ पर साइक्लोइड या टीनोइड स्केल पाए जाते हैं जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज में लिक्विड स्केल पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, उत्प्लावन प्रोवाइड करते हैं। हर्ट इनका भी टू चैम्बर्ड ही होता है।
दो चैम्बर का हर्ट होता है यहाँ पर, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं कॉन्डिक्थिस की तरह, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, ये खास बात है जो आप ध्यान रखिएगा, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ज़्यादातर ओवीपैरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए मैरीन, मैरीन में एग्जाम्पल है एक्सोसिटर जिसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें जैसे लेबियो जिसे रोहू कहते हैं, कैटला इसे कैटला कहा जाता है, क्लेरियास को मांगुर कहते हैं, और एक्वेरियम में रखी जाने वाली कुछ मछलियां आपको याद करनी, बेट्टा फाइटिंग फिश कहते हैं और टेरोफिलम को एंजल फिश कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब फिगर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, जो बोनी फिशेज के दो फिगर आपको दिए गए हैं, पहला जो फिगर आपको दिया गया ये हिप्पोकैम्पस का फिगर आपको दिखाया गया है जिसे सी हॉर्स कहते हैं, और दूसरा जो फिगर आपको दिया गया है ये कैटला का फिगर दिखाया गया, माउथ आप देख सकते हैं टर्मिनल यहाँ पर है, और जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं अगर उनमें उनकी पोजीशन को आप देखेंगे तो माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो फिगर से भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो तीन क्लास हमने पढ़ ली, चौथे क्लास हम चलते हैं। चौथा जो क्लास यहाँ पर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, दैट इज एम्फीबिया। अब एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया में एम्फी वर्ड जो होता है ये बताता है डुअल, और बायोस का मतलब लाइफ होता है, यानी इनमें डुअल लाइफ होती है, ये एक्वेटिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर एम्फीबियन की बात करें तो यहाँ पर टू पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, यानी चार लिम्ब होते हैं, बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। जैसे मेढक की बात करें, मेढक की जो बॉडी है ये हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, लेकिन कुछ मेंबर में टेल भी होती है, जैसे ये सेलामेंड्रा का फिगर आपको दिया गया, इसमें हेड है, ये हेड हो गया यहाँ पर, हेड के अलावा ट्रंक हो गया और टेल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टेल भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती कुछ मेंबर में, ये पॉइंट एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको लिख के बताया है कि टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल में भी प्रेजेंट इन सम सेलामेंड्रा हो जाएगा। एम्फीबियन की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है और इनपे स्केल नहीं है, अभी आपने पढ़ा कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस जिनमें स्केल पाए जाते हैं, एम्फीबियन की स्किन पे स्केल नहीं पाए जाते हैं। आई की अगर हम बात करें तो आई पे आईलेट पाई जाती है, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसे क्लोएका कहा जाता है, और क्लोएका बॉडी के बाहर ओपन करता है जो डाइजेस्टिव वेस्ट को, यूरिन को और गैमीट को बॉडी के बाहर ले जाने का काम करता है। रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, लंग के द्वारा और स्किन के द्वारा हो सकता है। स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है क्योंकि स्किन मॉइस्ट होती है। हर थ्री चैम्बर का है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल यहाँ पर है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट यानी ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ध्यान रखिएगा, टीनोफोरा में आपने पढ़ा, इकायोडर्मेटा में पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा में पढ़ा, बोनी फिशेस में आपने पढ़ा और एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इतने केस आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये ओवीपैरस होते हैं और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा होता है, जैसे फ्रॉग का लार्वा टेडपोल होता है। एग्जांपल अगर आप देखें तो ब्यूफो जिसे टोट कहा जाता है, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, सेलामेंड्रा सेलामेंडर कहलाता है, और इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन, ये बहुत खास है इक्थियोफिस, इसे लिम्बलेस एम्फीबिया कहा जाता है। तो अगले क्लास पे हम बढ़ते हैं, अगला जो क्लास हमारा है दैट इज रेप्टिलिया, जिसे जिसके मेंबर को कॉमनली रेप्टाइल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए रेप्टिलिया की बात करते हैं। रेप्टिलिया का जो नाम है वो इनके लोकोमोशन से आया, क्रीपिंग या क्रॉलिंग, इनमें रेंगने और सरकने का नेचर पाया जाता है, और लैटिन भाषा में रेपर या रेप्टम का मतलब होता है क्रीप या क्रॉल करना। तो इनके लोकोमोशन के तरीके से इनके क्लास का नाम आया है। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, या एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती है, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, लिंब अगर प्रेजेंट होंगे तो दो पेयर होंगे, और स्नेक की बात करें तो उनमें लिंब नहीं पाए जाते हैं। हर्ट थ्री चैम्बर का होता है ज्यादातर मेंबर में, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जहां पर फोर चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल भी पॉइक्लोथर्मक यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और स्नेक और लिजर्ड की बात करें तो ये अपनी
स्केल को स्किन कास्ट के रूप में केचुल के रूप में हर साल रिप्लेस कर देते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो चिलोन टर्टल, टेस्टुडो टॉर्टोइस, कैमिलियन ट्री लिजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोट गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड जिसे आप छिपकली कहते हैं। पॉइजनस स्नेक में अगर आप देखें तो नाजा कोबरा, बेंगारू स्क्रेथ और वाइपेरा में वाइपर आ जाएगा। कुछ फिगर भी एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं यहाँ पर, तो ये फिगर भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला जो फिगर है ये कैमिलियन का आपको दिया गया है, दूसरा क्रोकोडिलस हो गया, तीसरा चिलोन या टर्टिल हो गया और चौथा नाजा है जिसे कोबरा के नाम से जाना जाता है। तो फिगर भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का छठा क्लास है एप्स, जिसे आप बर्ड के नाम से जानते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ फिदर, इनकी बॉडी पर पंख पाए जाते हैं और ज़्यादातर इनमें से उड़ सकती हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड हैं जैसे ऑस्ट्रिच, इनमें चोंच पाई जाती है, बीक प्रेजेंट होती है। इनके जो फोर लिंब होते हैं ये विंग में मॉडिफाई हो जाते हैं और उड़ने में सहायक होते हैं। जो हाइंड लिंब होते हैं उन पे जनरली स्केल प्रेजेंट होते हैं और हाइंड लिंब मॉडिफाई है वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग मतलब पकड़ने के लिए। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, इस स्किन में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, इनकी टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। अब अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड यानी बोन से बना है। देखिए हमारा एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज दोनों से बना है, लेकिन बर्ड में केवल बोन पाई जाती है, कार्टिलेज नहीं पाई जाती हैं। और जो लॉन्ग बोन इनमें होती हैं वो हॉलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं और ये न्यूमेटिक बोन कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड, ये नीट में अभी हाल ही में पूछा गया था। हर्ड कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, ये वार्म ब्लडेड होमियोथर्मिक है यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर लंग पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं और जो एयर सैक होते हैं वो लंग से कनेक्ट होते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट। एग्जांपल में कॉर्वस क्रो आ जाएगा, कोलंबा पिजन, सिटेकुला पैरट, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एप्टेनोडाइट पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर, सारे एग्जांपल में साइंटिफिक नेम अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं और यहाँ पर कुछ फिगर भी को दिए गए और साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। ये नहीं कि तोता याद करें, पैरट याद कर रहे हैं आप, नहीं, आप याद करेंगे कि दिस इज सिटेकुला, ये नहीं मोर याद कर रहे हैं, पिकॉक नहीं याद करना, पेओ याद करना है, ये शुतुरमुर्ग जो है ना स्ट्रुथियो इसका नाम याद करना है और ये जो गिद्ध आपको दिखाया गया ये नियोफ्रॉन हो जाएगा जिसे वल्चर आप कहते हैं या गिद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए अब बेटा अपने क्लास को हम पढ़ते हैं, दैट इज मैमेलिया क्लास, ये सबसे लास्ट क्लास है सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। तो मैमेलिया क्लास की अगर हम बात करें तो मैमेलिया अलग अलग तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रास एंड डार्क केव। कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे बैट की बात करें चमगादड़, ये उड़ सकता है। कुछ पानी में रह सकते हैं जैसे वेल, डॉल्फिन, सील, सीकाऊ, ये ऐसे मैमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। मैमल का सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मैमरी ग्लैंड, और मैमरी ग्लैंड के द्वारा यंग वन यानी बच्चों को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है माँ के द्वारा। इनमें टू पेयर लिम्ब पाए जाते हैं जो वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, बरोइंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए या फ्लाइंग करने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। जैसे ह्यूमन में हमारे जो लिम्ब हैं, पैर हैं, ये वॉकिंग के लिए अडॉप्टेड हैं, घोड़े में या शेर में दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए, गिलहरी में क्लाइंबिंग करने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, चूहे में बिल को खोदने के लिए, बर्रोइंग करने के लिए अडॉप्टेड है, व्हेल में स्विमिंग करने के लिए अडॉप्टेड है, चमगादड़ में फ्लाइंग करने के लिए अडॉप्टेड है। यहाँ पर कुछ फिगर भी आपको दिए गए हैं, चार फिगर आपको दिखाए गए हैं। पहला फिगर है ये ऑर्निथोरिंकस का आपको दिखाया गया है। ऑर्निथोरिंकस एक ऐसा मैमल है जो ओवीपेरस नेचर शो
बताइए। ऑर्निथोरिंकस पहला फिगर आपको दिखाया गया है, दूसरा मैक्रोपस जो कंगारू है इसका साइंटिफिक नेम आपको दिया गया है, तीसरा जो टेरोपस है इसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, और ये जो फ्लाइंग फॉक्स है एक्चुअली यही चमगादड़ है, और बेलेनोप्टेरा जो डी फिगर दिया गया है इसी को ब्लू वेल कहा जाता है, ये धरती का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब कुछ और फीचर देखते हैं यहाँ पर मैमल की। मैमल की बात करें तो इनकी जो स्किन होती है स्किन के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, ये यूनिक फीचर है यहाँ पर मैमल का। साथ ही साथ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मैमल के लिए जो आप ध्यान रखेंगे। जो मैमल होते हैं इनके जॉ में अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं, इसी को हेट्रोडॉन कहा जाता है। हर्ट 4 चैम्बर का होता है और ये होमियोथर्मस होते हैं, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये वीवीपैरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर हैं जैसे ऑर्निथोरिंकस जिसे डगबिल प्लेटिपस कहते हैं, ये ओवीपैरस नेचर शो करता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। अब वीवी पेरस मैमल की बात करें तो मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रीसस मंकी है ये, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस हार्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। अब यहाँ पर एक टेबल आपको दी गई जहाँ पर अलग अलग एनिमल फाइला के कंपैरिजन कराए गए हैं, तो चलिए इसको भी जरा देख लीजिएगा यहाँ पर। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन समराइज करके एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर जो आपको कंपैरिजन दिखाया गया है, सारे फाइलम यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक साथ आपको दिए हैं। बेटा जो पॉइंट मैं बताऊँगा केवल वही आप ध्यान रखें, जैसे सिमेट्री में सिलेंट्रेटा में रेडियल, टीनोफोरा में रेडियल और इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, इसे आप ध्यान देंगे। अब सिलोम में एस्केलमिंथ में स्यूडोसिलोम होता है, ये ध्यान देना, इसके पहले सिलोम एब्सेंट है और इसके बाद ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जो सेगमेंटेशन यहाँ पर आपको बताया गया, सेगमेंटेशन एनिलिडा में आपको बताया गया, एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोडा में बताया गया है, और इसके अलावा कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन बताया गया, और ये आपसे नीट में हाल ही में पूछा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखें तो पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमिंथ में कम्प्लीट हुआ। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आप देखेंगे तो एनिलिडा में प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखें तो आर्थ्रोपोडा में पहली बार प्रेजेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर अगर आप देखें तो पोरीफेरा में बॉडी में पोर पाए जाते हैं और कैनाल पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में निडोब्लास पाई जाती है, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट होती हैं, प्लेटीहेलमिंथ में फ्लैट बॉडी होती है, सकर होती है, स्केलमिंथ में ये वर्म सेफ होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। एनिलिडा की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन होता है रिंग के फॉर्म में, आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का बना और जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, हेमिकॉर्डेटा वर्म लाइक विद प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, एंड कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड डोर्सल हॉलो नर्वोकॉर्ड गिल्सिलेट विद लिम्ब ऑर्फिन, ये फीचर हो गए यहाँ पर। अब समरी की अगर हम बात करते हैं तो समरी में कोई नया पॉइंट आपके लिए नहीं है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पर एनिमल किंगडम के बारे में। करीब 60 70 80 मिनट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर खुद आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी समय लगता है, 2-3 घंटे का टाइम आपको खुद लग जाता है अगर आप खुद से चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको ये चैप्टर कम समय में और हर एक लाइन को हमने टच भी किया है, जितने पॉइंट थे हर एक पॉइंट को मैंने टच करते हुए जहां पर समझाने की जरूरत थी समझाया भी मैंने। अब शाम को जो हमारा लाइव सेशन 5 बजे होगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर। अच्छा, अगर आप इस चैप्टर को और डिटेल में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं, जिनकी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की कॉस्ट होती है वो 25,000 रुपये है, लेकिन नीट 2020 के लिए केवल 3,000 रुपये में आपको ये दिए जा रहे हैं। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिला और ना ही मिलेगा। 3,000 रुपये में सभी 10 यूनिट और 38 चैप्टर को आप कवर कर
कर सकते हैं। एक यूनिट आप परचेस करना चाहते हैं तो केवल 500 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप इन यूनिट को या पूरे सिलेबस को लेना चाहते हैं, पूरे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं और अपनी नीट की तैयारी को और बेहतर आप कर सकते हैं। क्योंकि क्लासरूम में हम एनसीईआरटी के बाहर जाके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। यहां तो मैंने केवल एनसीईआरटी को ही डिस्कस किया है, केवल एनसीईआरटी के क्योंकि टाइम की हमारे पास लिमिटेशन है, सारे चैप्टर को हमें कवर भी करना है क्रैश कोर्स की सीरीज में। ये क्रैश कोर्स जो चल रहा है ये तो आपके लिए फ्री है, शाम को हम क्वेश्चन कराते हैं, सब हर चीज आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर क्लासरूम वीडियो लेक्चर भी साथ में आप करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाएगी और अगले 2 महीने में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कुछ चेंजेस किए हैं एनटीए ने, सिलेबस में कुछ चेंज किया है, तो चेंजेस मैंने अपलोड कर दिए हैं कल, वो भी आप जाके जरूर देखिए। साथ ही साथ डेली मैं आपको क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं और इस जो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ से भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीट की तैयारी के लिए और बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ में और अगली यूनिट हम कौन सी स्टार्ट करें ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वैसे इसके लिए पोल भी हम कराएंगे, वहां पर भी आप अपना आंसर कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिट चाहते हैं जो क्रैश कोर्स में हम डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम आएंगे और शाम को मिलते हैं अभी, ठीक है? आज हम शाम को 5 बजे मिलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। शाम को करते हैं इसके क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।